हेलो मित्रों, भाई बहनों, हमारे चैनल यूट्यूब में बाबा सुरेंद्रनाथ योगी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन है। भाई बहनों, आज मैं आप सबको बताने आया हूँ भुजंगासन। भुजंगासन करेंगे आप तो आपकी बॉडी काफ़ी ऊर्जावान रहेगी। खाली पेट यह करना है। भाई बहनों, हमें कमेंट में मिला था कि भुजंगासन स्वामी जी दीजिए बाबा जी, तो मैं भुजंगासन आपको आज बताऊंगा। अब भुजंगासन दो तरह से है करने के लिए, और ये भुजंगासन आप करेंगे आपके शरीर में बड़ी ऊर्जावान बॉडी बनेगी। कहने का मतलब हमारे हैं खास करके स्लिप डिस्क के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलाइटिस के लिए बहुत ही फायदेमंद है, और बैकबोन मेरुदंड के लिए बहुत फायदेमंद है यह भुजंगासन। तो दो तरह से करने के लिए है भुजंगासन। भाई बहनों, भुजंगासन एक अर्ध भुजंग है और एक पूर्ण भुजंग है। ये दोनों आसन दो तरह से करेंगे। पहले हम अपने को अर्ध भुजंग करेंगे, थोड़ा करेंगे, इसके बाद पूर्ण भुजंग आसन करेंगे। भुजंग मीन्स यानी सर्प, स्नेक सर्प होता है। तो सर्प के बाद हम पहले पेट के बल लेट जाएंगे। लेटने के बाद हम अपने हाथों को साइड में रख लेंगे और पीछे का पैर दोनों सटा के रखेंगे और तान के रखेंगे अपने पैर को, पंजे को पीछे साइड में उल्टा करके, और पेट के बल लेट के करेंगे और अंदर सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे। जैसे सर्प फन काटता है, पहले थोड़ा उठता है, इसके बाद पूरा उठ जाता है, ज़्यादा क्रोधित हो जाता है, ज़्यादा उठ जाता है। तो इसलिए पहले थोड़ा सा हल्का सा आपका अभ्यास करना है अर्धभुजन का, इसके बाद पूर्ण भुजन करेंगे। तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डाइलाइटिस के लिए, और नेक में कोई दिक्कत है, सर्वाइकल है, उसके लिए बहुत ही बढ़िया है, और साथ ही साथ मेरुदंड के लिए बहुत ज़बरदस्त है। स्लिप डिस्क के लिए, पीठ के लिए भी बहुत फायदेमंद है। अगर आप थोड़ा थोड़ा पहले आप करेंगे, इसके बाद नियमित करेंगे, तो आपका पीठ का दर्द, कट का दर्द दूर हो जाएगा। तो आपके कमेंट में मिला था हमको कि बाबा जी भुजंगासन बताइए, तो आप भाई लोग देखिए भुजंगासन, आइए करते हैं भुजंगासन। पहले अपने को ऐसे सीधा ऐसे करके अपने को ऐसे लेट जाना, लेट जाना। अब ये था आपको मैं अर्धभुजंग आसन बताया। तो अर्धभुजंग में आपको इतना उठना है, इतना करके अब सांस को आपको अंदर लेना है सीने में, नासिका द्वारा सांस लेना, मुख बंद रहेगा, नासिका सांस लेंगे गहरी सांस, और इतने पे आकर के ऐसे रुकेंगे, इसे सीधा जितना पीछे साइड आप मोड़ सकते हैं उतना मोड़ सकते हैं, जितनी देर तक रुकेंगे उतना ठीक रहेगा। तो इसलिए स्लिप डिस्क के लिए बहुत ही फायदेमंद, मेरुदंड के लिए मजबूत होगा, कोई भी विकार बैकबोन में है आपको तो दूर हो जाएगा। भाई बहनों,
अब हमने ये जो अर्धभुजंगासन किया, अभी पूर्ण भुजंगासन करते हैं। वही स्थिति रहेगी, लेकिन इसका तरीका रहेगा ऐसे करके, हाथ को ऐसे करके सांस को ऐसे भर के लेके जाना है, सीधा ऐसे करके भर के लेके जाना है, सीधा ऊपर ऐसे ले जाना है। और पीछे के पंजे जो हैं, पीछे के पंजे टाइट एकदम होने चाहिए, ऐसे करके ले जाना है। जितनी देर तक यथास्थिति में आप रुक सकते हो, 30 सेकंड तक लेना है आपको, रुकना है। अगर 30 सेकंड रहेंगे तो आपको अच्छा स्टार्ट मिलेगा। और फिर आना है तो नासिका से सांस को छोड़ते हुए सीधा ऐसे आ जाना। थोड़ा रेस्ट लेंगे 2-3 सेकंड, इसके बाद फिर सांस को भरते हुए नासिका से फिर पीछे साइड में ऐसे फिर जाएंगे। आइए करते हैं, देखते हैं। ये देखिए, अच्छा ये देखिए, ये भुजंगासन जो हमने बताया, तो आपको ऐसे करके हाथ को जाना, आप सीख गए होंगे भाई बहन। ये देखिए, इसका स्लिप डिस्क में आपका इधर दर्द बनता है, कट में दर्द बनता है, तो भी बहुत रिस्पांस मिलेगा आपको। शुरू में पहले अर्धभुजंगासन करना है, जैसे मैंने शुरू में ऐसे करके बताया था, इतना लेना है। इसके बाद तब पूर्ण भुजंगासन करेंगे। तो ये आसन बहुत अच्छा है आपके लिए, बहुत ही बेस्ट होगा। और जिनका सर्वाइकल है, स्पॉन्डिलाइटिस है और स्लिप डिस्क है, उसके लिए बहुत ही अच्छा है और मेरुदंड को भी मजबूत बनाता है। और आपके अंदर जैसे कोई मेरुदंड में कोई दिक्कत है, कड़ापन है, वो भी ठीक हो जाएगा। और स्लिप डिस्क के लिए तो रामबाण है, जान लीजिए, भुजंगासन। तो आज के लिए हमारा ये वीडियो था भुजंगासन के लिए। आपका कमेंट मिला था भाई बहनों, तो ये भुजंगासन आप करेंगे तो बहुत अच्छा आपका पीठ का दिक्कत और मेरुदंड का ठीक हो जाएगा, सर्वाइकल का। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे हम। अगर कोई भी सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स पे जाकर के आप कमेंट करिएगा, मैं आपका सुझाव पूरा करने की कोशिश करूँगा भाई बहनों। और नए लोग होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बना देना नोटिफिकेशन के लिए, कोई भी योगा निकलेगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चलते हैं, बाय बाय, थैंक्स।